हे गाइस, दिस इज मी रेहान और आप देख रहे हो मेरा चैनल आर्ट बाय रेहान खान, जिसमें हम एक सेशन करते हैं वन बाइट रिव्यू का। और आज एक ट्रेलर कुछ ही घंटों पहले लॉन्च हुआ है, मूवी का नाम नहीं बताऊंगा। जल्दी से हम उस ट्रेलर को देखते हैं, उस पर रिव्यू करते हैं। बहुत वायरल चल रहा है, आप सब जगह देख रहे होंगे इसको, इंस्टा पे हर जगह पे। तो आज इस मूवी को हम डिस्कस करेंगे, इसका रिव्यू देते हैं, इसका ट्रेलर देखते हैं। लेकिन ये वन बाइट रिव्यू है तो मेरा साथ दे रही है आज मार्स। यस, चलो और देखते हैं। कमा कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वो से, किसी के बाप से नहीं डरने का। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले, क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। वाह यार, जबरदस्त, अ वेरी वेल ओपनिंग सीन्स जो आपकी ग्रैब कर लेता है फॉरन अटेंशन। और आलिया भट्ट, शी इज लुकिंग वेरी नाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ये करेक्टर जो है काफी हैवी लग रहा है मुझे। तो आई एम श्योर कि अगर ये एक बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट हुआ होगा तो आलिया को तो भाई समझ लो आप, आलिया क्लीन बोल्ड कर देगी मार्केट को। और संजय लीला बंसाली तो आपको पता ही है, एक इतना बड़ा नाम है, सेट भी बड़े होंगे, कलर पैलेट मैंने आपको बताया कि बहुत ही जबरदस्त कलर पैलेट मुझे इसकी लग रही है। और आलिया ने अगर एक्टिंग में बिल्कुल जरा भी लैक नहीं आया तो आप यकीन करो कि क्लीन बोल्ड कर देगी मार्केट को। स्टोरी मुझे लग रही है थोड़ी सी जो है ना वो कुछ पीरियड पीस टाइप स्टोरी है, थोड़ा सा हम जो है वो पुराना वर्जन या ओल्ड माहौल जो है वो देखेंगे। आई एम श्योर ये कोई एक करेक्टर नहीं होंगी जिनके बारे में ये मूवी बनने जा रही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर आलिया की एक्टिंग जो है ना थोड़ा सा कुछ, मुझे लग रहा है कि कुछ कमेंट्स ऐसे आएंगे कि ये रोल काफ़ी हैवी है उसके लिए, जो है ना आलिया काफ़ी यंग हो सकती है। लेकिन अगर आलिया ने एक्टिंग बॉस अगर इसने बजा दी तो पूरी मार्केट जो है ना वो क्लीन बोल्ड हो जाएगी। और अवार्ड्स तो फिर अवार्ड ही हैं। संजय लीला बंसाली हैं डायरेक्शन में, तो आप समझ सकते हो कि अभी जब इसके सॉन्ग्स आना शुरू होंगे ना तो बॉस मार्केट तो वैसे ही क्रैक हो जाएगी। सही है, तो वेट करते हैं इसके अब और ट्रेलर्स का, क्योंकि ये अभी ज़रा टीजर है सिर्फ, ये तकरीबन 1.5 मिनट का ये ट्रेलर है जो अभी बहुत वायरल चल रहा है। आई एम श्योर कि जब इसके सॉन्ग्स आएंगे तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही क्रेजी होने वाला है। और अगर इसमें अरिजीत हुए और श्रिया घोषाल की आवाज़ हुई, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अरिजीत और श्रिया घोषाल का एक वर्जन होना चाहिए, जो काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। इस कोविड की वजह से कोई एक अच्छी मूवी नहीं आई थी, लेकिन अगर ये इस टाइम पे ये मूवी जो है वो सिनेमा में आती है, या संजय सर देखते हैं वो किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं मार्केट को, आई एम श्योर कि ये नेटफ्लिक्स और डिज्नी से थोड़ा सा हटके, अगर कोविड की सिचुएशन हट गई और अगर सिनेमा में इन्होंने ये लॉन्च करी तो बहुत ये क्रेजी होने वाला है। ठीक है, तो ये था इसका रिव्यू यार मेरी तरफ से। और अगर आप इसके और थोड़ा सा अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं इसमें और अपने आप को थोड़ा इन्हेंस करूंगा। ठीक है, थोड़ी मस्ती करेंगे इसी तरीके से। और ये मेरा सेशन है, आई एम श्योर कि आपने मिस किया होगा इस मार्च को। फिर मिलते हैं नए किसी चीज के साथ, नए बाइट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज, बाय।